ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 25, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 25। देखो अभी तक हमने मेजरली तीन टॉपिक्स किए हैं। पहला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये जो थर्मल रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो पहला टॉपिक चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये जो असाइनमेंट है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट किया जिसमें रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जिसमें कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यूज़ हो रहा था। तो आज की दूसरी असाइनमेंट जो प्रैक्टिस होगी वो थर्मल कंडक्टिविटी पे होगा, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पे होगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक हमने किया इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव। और एक हमने टॉपिक किया रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये चार टॉपिक्स हुए हैं हमारे, तो आज हम कम से कम तीन टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म कर ही देंगे, क्योंकि नया टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम ट्यूजडे को ही स्टार्ट करवाऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा टॉपिक है, स्लाइड वायर ब्रिज है और सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल है। ये पूरा अच्छा खासा लेक्चर है पूरे का पूरा, तो ट्यूजडे को जब नेक्स्ट टाइम आओगे उसमें डिस्कस होगा। तो आज हम इसको क्लोज करते हैं। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 25 शीट में, फॉलोइंग फिगर शोज फोर सिचुएशंस, चार सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, आपको ये चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड गिवन है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन में 7 कूलम पर सेकेंड चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव लेफ्ट है पॉजिटिव राइट है, नेक्स्ट में अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, नेक्स्ट में भी ऐसे ही है। टोटल करंट बताने क्या होगा, अरेंज करना है कि किसमें करंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर कम फिर कम फिर कम, ये क्वेश्चन है। तो पहले करंट निकाल लें। पहले फिगर में सिर्फ एक ही चार्ज है, चार्ज अपॉन सेकेंड, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो पहली फिगर में करंट कितना है, 7 कूलम पर सेकेंड क्या है, 7 एम्पियर का करंट है। कोई डाउट इसमें, तो पहली फिगर क्लियर है, करंट आ गया। दूसरे फिगर में पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, राइट। किसी भी वायर में अगर पॉजिटिव चार्ज राइट जाएगा तो अंडरस्टूड है नेगेटिव कहाँ आएगा, टूवर्ड लेफ्ट, यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज करंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 4 और 7, तो टोटल करंट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या माना जाएगा, 7। ऐसे ही इसमें नेगेटिव लेफ्ट है पॉजिटिव राइट है, तो टोटल सम क्या हो जाएगा, 7। लेकिन इसमें नेगेटिव लेफ्ट है पॉजिटिव भी लेफ्ट है, ऐसा होता नहीं है। तो अगर नेगेटिव लेफ्ट है 6 एम्पियर करंट है, तो पॉजिटिव अगर राइट जाएगा तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि दो इकट्ठे लेफ्ट साइड पे जा नहीं सकते। तो आप जब इसको उल्टा करोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, -1, तो नेट आंसर क्या आएगा, 5। तो करंट्स आ जाएंगे आपके पास। अब आपको अरेंज करना है कि इन तीन वैल्यूज में करंट सेम है और फोर्थ में सबसे कम है, तो ऐसा अरेंजमेंट आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि चार्ज फ्लोइंग अपर सेकंड से करंट की कंट्रीब्यूशन कैसे देखनी है आपने, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपके ऑब्वियसली होमवर्क ही होगा, क्वेश्चन नंबर फोर में V और I का ग्राफ गिवन है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ गिवन है। आगे बढ़ने से पहले कोई मुझे ये बताएगा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और मैं इसकी अगर स्लोप निकालता हूँ, स्लोप क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, Y एक्सिस अपॉन X एक्सिस। Y एक्सिस में क्या टर्म दिख रही है, V। X एक्सिस में क्या दिख रहा है, I। तो V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो V और I ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालें तो वो आपको क्या देगी, रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्राफ ये रहा, इसकी स्लोप क्या है, टैन थीटा। इसकी स्लोप क्या है, ये एंगल थीटा है, स्लोप इज टैन थीटा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, स्लोप किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस। तो यानी कि टैन थीटा किसके इक्वल है, आर वन। तो मान लो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर वन, तो टैन थीटा इज इक्वल टू आर वन, क्योंकि स्लोप टैन थीटा, स्लोप आर वन, क्लियर। इसकी स्लोप कितनी है, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसका वर्टिकल के साथ एंगल है, अपने को एंगल किसके साथ चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, क्लियर है यहाँ तक। तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा और इसकी रेजिस्टेंस सपोज कितनी है, आर टू, तो आर टू इज इक्वल टू क्या, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, यस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर भी गिवन है। मैंने आपको टेम्परेचर का एक ही रिलेशन करवाया कि एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीजेस, यही बात हुई थी,
टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है? जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो यानी कि आर वन या जो भी रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ इसमें मुझे क्या निकालना है? मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। तो मुझे ये समझ में आता है कि जो भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया, चेंज इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। हायर द टेम्परेचर, हायर द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, हायर इज द वैल्यू ऑफ आर टी। तो मुझे समझ में आता है कि फर्स्ट ग्राफ में आर वन प्रोपोर्शनल टू टी वन, रेजिस्टेंस आर वन टेम्परेचर टी वन पर डिपेंडेंट है, और आर वन किसके इक्वल होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके प्रोपोर्शनल है? टी वन। यहाँ से कॉन्स्टेंट क्या आ गया? के। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई टेन थीटा इज इक्वल टू के इंटू टी वन, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन में टेन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है? स्लोप है। स्लोप किसके इक्वल है? आर टू। आर टू किसके प्रोपोर्शनल है? टी टू। तो स्लोप इज इक्वल टू के टाइम्स टी टू। तो पहली क्वेश्चन में टेन थीटा के टाइम्स टी वन, दूसरी क्वेश्चन में टेन ऑफ 90 माइनस थीटा के टाइम टी टू। क्या स्टेप क्लियर है? और मैथ्स में 90 माइनस थीटा का टेन क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये टेन थीटा आ गया, ये कॉट थीटा आ गया, हमें क्या निकालना है? टी टू माइनस टी वन क्वेश्चन में। तो ये मुझे टी वन दिख रहा है, ये मुझे टी टू दिख रहा है, क्यों ना इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को माइनस कर दें। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो के कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? टी टू माइनस टी वन, और यहाँ से कॉट माइनस टेन। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? कॉट माइनस टेन। यहाँ पे कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस। एलसीएम साइन कॉस, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब रिजल्ट ऑप्शन भी देखनी पड़ेगी क्या ऑप्शंस हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, उससे क्या होगा? मैथ्स का फॉर्मूला मेडिकल वाले याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस ऑफ 2 थीटा। और डिनोमिनेटर में 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है? साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट 2 थीटा। तो आंसर कॉट 2 इंटू कॉट 2 थीटा मार्क करना है। तो एक नई प्रॉब्लम है आपके लिए। तो पॉइंट सबको समझ में आया कि कैसे करना है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो एक बार आपने कर रखा है तभी आप इसे कर पाएंगे, तो आपको आइडिया हो गया। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इसकी स्लोप है, ये इसकी स्लोप नहीं, 90 माइनस थीटा, ये जो ये अगर थीटा है तो इसका एंगल ये कितना है? 90 माइनस थीटा। तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इसकी स्लोप है, ठीक है। लास्ट स्टेप में ये क्लियर है, एलसीएम लेके क्लियर है, मैथ्स का फॉर्मूला है, क्योंकि ऑप्शंस किस में चल रही है? 2 थीटा में। तो मैथ्स का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। मैथ्स में 2 इंटू साइन इंटू कॉस, कॉस साइन ऑफ 2 थीटा होता है, हम प्रोजेक्टाइल में भी करते थे ऐसा यूज, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा होता है। अब कॉस ऑफ 2 थीटा बाय साइन ऑफ 2 थीटा इज कॉट ऑफ 2 थीटा, ये आंसर है। ये वाला 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड जान के किया, फर्क तो पड़ता नहीं ना, कर भी दिया। मैथ्स अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा मेरा ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो मेरे को साइन 2 थीटा बनाने के लिए 2 तो चाहिए होगा ना, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके इसको तो कम से कम साइन 2 थीटा बनाया, तो आंसर तभी बनेगा, तो बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन सिक्स,
क्वेश्चन में एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक वायर है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एरिया बराबर है, रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटीरियल इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा हमने क्वेश्चन कभी किया नहीं, क्योंकि रो तो हमेशा मैंने क्या बताया क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें रो कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी कि आपकी वायर डिफरेंट मटीरियल की बनी हुई है, पहले रो कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो अगर आप एक कंडक्टर लेते हो या कंडक्टिंग वायर लेते हो, उस कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर का रो इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज। मटेरियल तो यहाँ भी लगा ही होगा ना, ये तो नहीं कह सकते कि मटेरियल लगा नहीं है, नहीं मटेरियल तो यहाँ भी है। तो कम से कम लेट अस सपोज इसकी वैल्यू कितनी है, रो नॉट, कोने पे वैल्यू रो नॉट है। अब एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि इसमें, ठीक है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रही है, तो जब मैं एक्स इंक्रीज करता हूँ तो मेरा रो भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स रो की वैल्यू कम से कम रो नॉट तो होगी ही होगी, क्योंकि कोने से तो ज़्यादा ही होगी, रो नॉट से तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और कैसे इंक्रीज हो रही है, लीनियरली। लीनियरली का मतलब क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो कैसे होगी, इसमें एक्स के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है। तो लीनियरली का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो एक्स अगर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे रो नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं रो नॉट ही लगाऊंगा, और अगर मैं रो नॉट नहीं लगाऊंगा, एक्स को जब आप जीरो पुट करेंगे तो रो की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ मटेरियल तो लेफ्ट लगा ही होगा, तो रो कभी जीरो नहीं होता। तो यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, आपको रो नॉट, उसके बाद उसकी वैल्यू एक्स के साथ उसकी प्रोपोर्शनैलिटी के साथ इंक्रीज होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये स्टेप, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करो एक्स के साथ, क्योंकि जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे चेंज होगी उसके अंदर, एक्स के साथ वो ग्राफ प्लॉट करो। अब मुझे ये पता है कि अगर ये वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ही फॉर्मूला हमने यूज़ किया ई को निकालने का, और वो क्या, वी बाय एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल, क्लियर हो गया। और वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आई टाइम्स आर, तो आर क्या होता है, रो एल बाय ए, राइट। लेंथ को वी के नीचे ले आओ, जब लेंथ को वी के नीचे ले आओ तो वी बाय एल क्या कहलाएगा, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, आई इंटू रो बाय ए। तो चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आई इंटू रो बाय ए, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके प्रोपोर्शनल है, रो के प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो रो के प्रोपोर्शनल, सामने ही है ये। तो रो लेकिन कैसे चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रहा है इस फॉर्मूले के साथ। तो आप इसको यहां पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम से कम, जब एक्स जीरो होगा तो जीरो तो नहीं हो सकती, कम से कम कुछ तो होगी, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो जो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, कम से कम वो आंसर तो नहीं होगा, कम से कम कुछ वैल्यू तो होगी उसकी। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किसके साथ बनाना है, एक्स के साथ। वाई एक्सिस में कौन है, ई, एक्स में कौन है, एक्स। तो आपको लग नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये ना स्ट्रेट लाइन, एक ही ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक है यहाँ तक। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज देखें,
देखो, अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, एरिया ज़्यादा एरिया कम, ऐसा है. ठीक है, कम ज़्यादा हो रहा है. तो ये सुनते ही समझ में आना चाहिए करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाय एरिया. अगर मैं इन वायर के टुकड़े भी कर दूँ, बड़े छोटे छोटे बड़े, क्या होगा, रेजिस्टेंस ही चेंज होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है. पर है तो सब सीरीज़ में, और सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट. अच्छा, ऐसे समझ लो, हमने लीकवर्ड्स का चैप्टर किया था, पाइप्स कनेक्टेड इन सीरीज, कोई मोटी पाइप है कोई छोटी पाइप है, तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहती है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड रिमेन्स सेम. इसमें चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम. तो कैसी भी वायर हो, मोटी पतली होती जा रही है, अगर एक ही वायर है करंट सेम रहेगा, तो आई की वैल्यू सेम रहेगी. तो कम से कम एक आंसर तो पक्का है, करंट इसमें सेम रहेगा. करंट सेम है, करंट डेंसिटी आई बाई ए, करंट सेम है पूरी वायर में, चाहे एरिया चेंज हो रहा है. जब एरिया चेंज हो रहा है करंट सेम है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. तो जे सेम नहीं हो सकता. ठीक, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर हम बात करें किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, आई बाय एन ए. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आई बाय ए आता है, आई बाय ए क्या होता है, करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज. तो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज. अगर मैं ओम लॉ लगाऊं, जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई, जे क्या हो रहा है, चेंज. सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो ई भी क्या होगा, चेंज. पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज. एक्चुअल में शॉर्टकट बताऊं, हर चीज चेंज होगी करंट को छोड़ के. तो करंट हमेशा कह रहे थे ऐसे केस में सेम, बाकी जो मर्जी चेंज हो जाएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इसलिए इसका आंसर करंट ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, ओके ठीक है. ओके, ये बहुत ही स्टैंडर्ड और फेमस क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन सिर्फ इसी में नहीं है, ये आपने थर्मल कंडक्टिविटी चैप्टर में भी ऐसा किया था. आप पढ़ेंगे आपको याद आएगा. देखो, इसमें दो वायर्स हैं, वो कह रहे हैं टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू, और एक की जो कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो एल्फा वन है, और दूसरी वायर का कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस एल्फा टू है. एक एल्फा वन है, एक एल्फा टू है. दीज आर ज्वाइंट इन सीरीज, तो हमने सीरीज में लगा दिया. द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आपको ये बता रहे हैं कि अगर अलग अलग लें अल्फा वन अल्फा टू, इनका जो है जो कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर मैं एक वायर लूँ इन दोनों की जगह, तो उसका वो इफेक्टिव अल्फा क्या होगा. हम ये प्रॉब्लम ऑलरेडी प्लस वन में कर चुके हैं ऐसी, जिसमें कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में भी किया, प्लस वो जो थर्मल एक्सपेंशन का चैप्टर किया था, लेंथ एक्सपैंड होती है ऑन हीटिंग, उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, आंसर भी तो सेम आता है. एक बार फिर कर लेते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक वायर है, अलग अलग लेंगे, हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर वन है. अलग अलग एक और वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर टू. तो वायर की R1 मान लो जीरो पे है, R1 मान लो स्टैंडर्ड जीरो पे मान लिया. उस देखो अल्फा की कैलकुलेशन में हम इंक्रीज इन टेम्परेचर बोलते हैं. ये तो कोई रूल नहीं ना, टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री इंक्रीज होगा. मैं जीरो से मान लेता हूँ रेफरेंस, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो डेल्टा टी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है. स्टैंडर्ड तो देखो आर जीरो से ली जाती है, स्टैंडर्ड तो आर जीरो ही मानता है. तो अगर एक वायर की रेजिस्टेंस 2 ओम है और उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम हो गई एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो मैं जब कुछ गिवन ही नहीं है तो मैं 2 ओम 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलूंगा, ऐसा है. ठीक, तो जब कुछ इनिशियल टेम्परेचर नहीं गिवन, तो फिर मैं उसका रेफरेंस क्या लूंगा, 0 ही लूंगा. ठीक, बाकी प्रैक्टिस से पता लगेगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर तो मैंने मान लिया कि आर वन उसकी रेजिस्टेंस है एट 0 मान लो, आर टू रेजिस्टेंस है एट 0 मान लो, मैंने टेम्परेचर टी बढ़ा दिया, तो पहली रेजिस्टेंस आर वन है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, आर ऑफ टी वन हो गई. कितनी, आर वन इंटू वन प्लस एल्फा वन इंटू. ऐसी दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, R2 उसकी रेजिस्टेंस है
वन प्लस एल्फा टू इन टू टी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये रेजिस्टेंस की क्या आ गई? वैल्यू आ गई, ठीक है यहाँ तक? कब? जब दोनों को अलग अलग हमने टी डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाया, क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने अल्टीमेटली तो उनको ज्वाइन ही करना है क्योंकि उनको अफेक्टिव एल्फा निकालना है, तो मैंने ज्वाइन किया। जब ज्वाइन करेंगे इन सीरीज तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? इन दोनों नई रेजिस्टेंसेस का सम कर दिया। तो मैंने इनको जो टेम्परेचर इंक्रीज करवाया वो अलग अलग करवाया और फिर मैंने इन्हें क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ये टर्म आ गई, इन्हें ओपन किया, आर वन प्लस आर टू एक ब्रैकेट में, यहाँ से टी कॉमन आ गया तो ये एक ब्रैकेट में, क्लियर है? इसमें से आर वन प्लस आर टू कॉमन नहीं निकल रहा, फिर भी जबरदस्ती आप एक मिनट कॉमन निकाल लो। क्यों निकालो मैं बताता हूँ। तो इन में से जब R1 प्लस R2 कॉमन निकलेगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? R1 प्लस R2 से। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो ये R इक्वलेंट आ गया। मैंने दो रेजिस्टेंसेस को लिया, दोनों का टेम्परेचर T इंक्रीज किया, दोनों की नई रेजिस्टेंस निकाली और उन्हें ज्वाइन कर दिया, ये आंसर आ गया। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट ये कहता है कि यार ऐसा करना क्यों है, आप ऐसा क्यों नहीं करते, इनको एक ही पोर्शन कंसिडर करो। मान लो ये दो अलग अलग नहीं थे, मान लो ये एक ही हैं, और R1 प्लस R2 एट जीरो डिग्री सेल्सियस, फिर से केस हम क्या कर रहे हैं, फिर से ये सेम केस कर रहे हैं। पहले मैंने T डिग्री सेल्सियस अलग अलग इनका राइज करवाया था, अब मैं इकट्ठा ले रहा हूँ। मान लो इकट्ठी वायर का एल्फा अफेक्टिव ये रहा, एक ही वायर ली, टोटल रेजिस्टेंस इनिशी R1 प्लस R2 ली, T डिग्री सेल्सियस राइज करवाया, तो नई रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा अफेक्टिव इनटू टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा अगर मैं इकट्ठा लूं तो। अलग अलग करेंगे तो ये आंसर आया, इकट्ठा करेंगे तो ये आंसर आया, इन्हें कंपेयर क्यों नहीं कर लेते? जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो ये क्या बनेगा? आपका अल्फा अफेक्टिव। तो अल्फा अफेक्टिव का आंसर क्यों नहीं याद कर लेते? तो आंसर ही आ गया सीधा। वैसे तो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, कुछ चेंज होके भी नहीं आता। क्या क्वेश्चन है? कि जब दो वायर्स हैं अल्फा वन एंड अल्फा टू, विद रेजिस्टेंस का जो इनका कोफिशियंट है अल्फा वन एंड अल्फा टू, और जब इनको सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो अफेक्टिव अल्फा की जो वैल्यू आती है विल बी इक्वल टू आर वन अल्फा वन आर टू अल्फा टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? सर बोलो। सर वो लास्ट स्टेप एक बार बता दो जो वो कॉमन लिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. मैंने ये कहा कि अगर ये इकट्ठा लेते हम, इकट्ठा, इकट्ठे का मतलब टोटल रेजिस्टेंस शुरू से ही R1 प्लस R2 लेते तो इसका अल्फा अफेक्टिव ये निकलता ऐसे ऐसे। तो ये अलग अलग करके आंसर, ये इकट्ठा आंसर, तो इसको और इसको कंपेयर कर लिया तो आंसर आ गया। ओके सर, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज ट्राई करें।
देखो क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2। इन दो रेजिस्टेंसेस को डिफरेंट मटेरियल से बनाया गया। टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक मटेरियल का कितना अल्फा है और दूसरे मटेरियल का माइनस बीटा है। माइनस साइन ये शो करता है कि एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अल्फा पॉजिटिव ये शो करता है एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो है इसका आंसर आएगा रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये पता लग गया कि दोनों को किस में लगाना है, इन सीरीज। विल नॉट चेंज, कह रहा है कि ठीक है हम इनको सीरीज में लगाते हैं और रेजिस्टेंस टोटल चेंज नहीं होती विद टेम्परेचर। एक्चुअल में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। पर एक इसके अंदर ऐसा नहीं हो, ऐसा केस हो सकता है कि रेजिस्टेंस चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि एक का अल्फा पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो एक की रेजिस्टेंस कम होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्फा और बीटा कुछ ऐसा चूज करें या R1 R2 की रेशियो क्या हो अल्फा और बीटा की फॉर्म में, ताकि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 में कोई चेंज ना आए। क्लियर है यहाँ तक? चलो बाकी सारी बातें ठीक हैं। एक काम करते हैं, जब हम टेम्परेचर टी इंक्रीज करते हैं तो देखें R1 R2 कैसे चेंज होता है। तो ये देखो ऐसे चेंज होता है R1 R2। ये देखो R1 कैसे चेंज होगा, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, और R2 कैसे चेंज होगा, R2 इंटू 1 माइनस बीटा इंटू टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐड किया तो क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इसे ओपन करें, R1 और R2 एक ब्रैकेट में, टी एक बाहर आ गया तो ये टर्म आ गई। मैं ये चाहता हूँ कि जो नेट आंसर आया ये टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो। तो ऐसा कब होगा, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, चेंज करूँगा, तो ये वाली और ये वाली टर्म हमेशा एक दूसरे इक्वल ही रहें। क्योंकि जब ये इक्वल रहेंगी तो ये टर्म क्या आएगी, ज़ीरो। और जब ये ज़ीरो आएगा टेम्परेचर वाला फंक्शन ही कट जाएगा। जब टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज कर लोगे, जब ये टर्म ही ज़ीरो है तो ये नेट जो आंसर आएगा टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट करने के लिए इस टर्म को क्या कर देंगे, इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ही इक्वल टू ज़ीरो तो आंसर आ गया, दिस इज़ द आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो आप क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालें, टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालें। अब टेम्परेचर को तो ज़ीरो नहीं कर सकते यार, उसने कहा टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कम से कम इसको तो कर सकते हैं, ताकि टेम्परेचर कुछ भी हो ये टर्म ज़ीरो इंटू टेम्परेचर जो मर्जी कर लोगे इसका आंसर चेंज होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली रेशियो आ जाएगी। यहाँ तक तो कैसे सोच रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर बोलो। सर ये हमने R1 और R2 डैश को लिया, क्वेश्चन में तो गिवन है ना कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो फिर वो R1 और R2 ही रह जाएंगे। देखो मेरे को, मैंने ये माना कि ये रेजिस्टेंस के साथ इंक्रीज चेंज हो रहा है, तो मेरी तरफ से आंसर R1 डैश है। फिर इसका देखो इंडिविजुअली तो इंक्रीज हो रहा है, इसकी रेजिस्टेंस R1 की इंक्रीज हो रही है, R2 की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो नया आया वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। आप ये ना कहें कि R1 ही रहेगा R2 ही रहेगा। R1 R2 कैसे रहेगा, R1 तो चेंज हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ R2 भी चेंज हो रहा है, लेकिन सीरीज में लगाने के बाद जो नेट आंसर आया वो चेंज नहीं हो रहा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस। ठीक है ना, इंडिविजुअली तो चेंज हो रही है, कॉम्बिनेशन इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो फैक्टर क्या हो रहा है, हमेशा जीरो।
ओके इस क्वेश्चन को देखें, देखो लेंथ ऑफ अ हॉलो ट्यूब इज 5 मीटर, लंबाई कितनी है, हॉलो का अंदर से खाली है तो लंबाई इसकी कितनी है 5 मीटर है, एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 5 mm, तो ये हॉलो है अंदर से खाली है, इसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आउटर इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, थिकनेस 5 mm है, ये इसकी जो मोटाई है ये कितनी है 5 mm है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर है। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर आउटर रेडियस 5 है, इसकी थिकनेस 0.5 है, तो इनर रेडियस कितना है, ये वाला 5 में से क्या माइनस करेंगे 0.5, कितना आएगा 4.5। तो आइडिया क्लियर है यहाँ तक, थिकनेस गिवन है, करंट पास होगा इस वायर में, कैसे पास करना है करंट पास करना है इस क्रॉस सेक्शन में से जो शेडेड है, करंट जो जाएगा वो ऐसे मूव करेगा अंदर, इस यहां से ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे। तो जब हम रेजिस्टेंस लेंगे इसकी, आर इज रो एल बाई ए, तो एरिया क्या लेते हैं क्रॉस सेक्शन का, तो एरिया ये शेडेड लेंगे, यानी कि आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन में आपको R1 पता है, R2 पता है, एरिया आप निकाल लेना, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस पाई इंटू R1 स्क्वायर, तो एरिया आ गया। आपको इस क्वेश्चन में क्या रेजिस्टिविटी रो पता है, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, रो पता है, लेंथ पता है आपको, बस एरिया निकालना है, एरिया हमने निकाल दिया आंसर। तो आपको टेक्निक समझ में आई कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? मैंने 2020 और 21 का भी इलेक्ट्रिसिटी का पेपर देखा है, नॉर्मल मतलब कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ट्रायंगल बना के दे रहे हैं बस सिंपल, या एक शीट का ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारी, वो एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, मतलब ठीक है कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी हमेशा की तरह पेपर में होते हैं, लेकिन 80% क्वेश्चन नॉर्मल पेपर है। तो मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, आपको व्हाट्सएप भी दे दूंगा और प्रिंट आउट दे दूंगा मैं आपको, तो आप अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा एक कुछ पोर्शन ना पेंडिंग है, उसमें मिक्स होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आधे होना कॉन्फिडेंस लो करेगा। तो जब आप आओगे तो उसमें वीट स्टोन वेज और मीटर वेज करेंगे, तो पूरे असाइनमेंट दूंगा, आप ट्राई करके देखना, जो हम काम कर रहे हैं उसके बेस पे कम से कम 20-21 का पेपर तो आराम से सॉल्व होता है, 80% पेपर तो आराम से सॉल्व होगा, ठीक। तो आप एक बार बस प्रैक्टिस करें, और मैंने बताया था कि इन जो ब्रेक है इसके अंदर आप कोशिश करें SHM वेव्स, और कोशिश करें कि थर्मोडायनमिक्स, हालांकि बड़ा प्रोजेक्ट है थर्मोडायनमिक्स, SHM वेव तो कम से कम कर ही सकते हैं अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। बाकी जितना आप कर लेंगे इन 15 डेज में उतना ही आपको बेनिफिट आज नहीं दिखेगा, इसका बेनिफिट आपको दिसंबर में दिखेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके दिखेगा, ठीक। जो नहीं करेगा आप उसका भी हालत देख लेना, और जो करेगा उसका हाल भी देख लेना, दोनों आपको यहीं क्लास में बैठे मिलेंगे, ठीक। जिसको बिल्कुल भी SHM वेव नहीं आता वो तो शुरू से रिकॉर्डिंग सुने, मैं से लॉगिन ले +1 का, वो तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो जाए। जिसको आता है लेकिन भूल गया, तो वो +2 के अंदर ही एंड में +1 की रिवीजन के लेक्चर्स हैं, वो फास्ट ट्रैक रिवीजन है, फटाफट गो थ्रू किया जा सकता है, वो वहाँ से देख ले, वो आपकी मर्जी है कि आपको भूल चुका है या बिल्कुल ही करना है स्क्रैच से, तो सारा ही सुनना पड़ेगा। और अगर आपको रिवीजन करनी है तो रिवीजन के लेक्चर्स हैं, ठीक है।
मैं शीट बना के दूंगा आपको 2020 और 21 के एसएचएम वेव की, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, तो आपने ट्राई करना है वो भी आप ट्राई कर लेना। बहुत ज़्यादा तामझाम खोल मत लेना, मैं डीसी पांडे भी कर लूँगा, मैं एचसी वर्मा भी कर लूँगा, कुछ ना होना, मैं बता रहा हूँ आपको। 7 दिनों में, 7 दिन में से 3 दिन तो आपने ये सोचने में लगा देने हैं कि करते हैं यार, अभी तो छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, 3 तो ऐसे निकल जाएंगे, बाकी 3 में आप शुरू करोगे, फिर प्लस टू करोगे, पीसीएम करोगे, मिलना आपको गिन के 2 ही दिन है, वो भी अब मुझे पता नहीं कैसे मैनेज करोगे आप। तो धीरे धीरे करके आप 2 दिन के अंदर, तो इफेक्टिव जो स्टडी है वो तो प्रेशर में होती है ना, तो आप एक बार ट्राई करो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करो इन छुट्टियों की, प्लस टू भी और प्लस वन भी, तो आप इसको प्रैक्टिस करना, मैं आपको शीट दूंगा, ठीक है। 2020-21 अभी कर लेना, 20-50 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, और जो इस साल का पेपर आएगा वो हम दिसंबर और जनवरी में करेंगे, करंट ईयर पेपर 2 सेट बनेंगे, क्योंकि आप इतने पेपर कर भी नहीं पाओगे। अभी आप 20-21 करोगे, 19-18 मत करना, 19-18 के क्वेश्चन मत करना, और अगर दिखें तब भी कोशिश करना मत ही करना। मुश्किल पेपर है 18 और 19 का, सबसे मुश्किल पेपर बना है पिछले पिछले मेरे ख्याल से 10 साल में, इससे मुश्किल पेपर नहीं मिलेगा मिलेगा आपको। 18 का तो जबरदस्त पेपर था, 18-19 का तो ऐसा पेपर नहीं आता। अब एनटीए के पास चला जा चुका है, तो नॉर्मल पेपर आता है, मतलब मिड रेंज पेपर बनाते हैं वो, बहुत हाई लेवल नहीं बनता। तो कैसा पेपर है वो आपको 20-21 का आपको पता लगेगा, और इस साल के कई सेट आने वाले हैं, क्योंकि 24 तारीख का मेन स्टार्ट है, 24 से 29 तक चल रहे हैं, तो ये कुछ सेट आएंगे, फिर सेकंड शिफ्ट में 8 पेपर और आ रहे हैं, तो पूरी किताब दिसंबर में एक और तैयार हो जाएगी। आप 2 किताबें नहीं कर पाओगे, 20, 21 और 22, नहीं ये 3 साल नहीं हो पाएंगे आपसे, तो आप 20, 21 करके रखो, 22 आप उस टाइम कर लेना, ये फिर भी बेटर है, ठीक है। तभी तो मैं आपको साथ साथ पेपर दे रहा हूँ, प्लस टू के 20, 21 के, और एंड में हम करेंगे 22 का, ठीक है। ऐसी प्लस वन का देता रहूँगा, 20, 21 का और फिर 22 का, ऐसे 3 साल का सफिशियंट है, नोट सफिशियंट है मेरे, 3 साल के पेपर सफिशियंट है, बाकी मॉक टेस्ट सफिशियंट है, ठीक। तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है ना क्या करना है? यस सर। ठीक है, ये लो नेक्स्ट। यस सर। फॉलोइंग फिगर्स, तो ये 3 फिगर्स गिवन है, और कंडक्टर ऑफ सेम लेंथ, लेंथ कहाँ पर दिख रही है आपको? ये लेंथ है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। आपको ये डायग्राम ऐसा गिवन है, जैसे ये वायर है, ये आपको सिर्फ ये दिखा रहा है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन बस, जहाँ से करंट एंटर करेगा। लेंथ तो पीछे है, तो बोर्ड के अंदर वायर जा रही है, तो लेंथ तीनों की एग्जैक्टली सेम है, पर क्रॉस सेक्शन जिसमें एंटर कर रहे ग्रे कलर में, ये सेम नहीं है, ये शेडेड कलर देख रहे हो, इसमें करंट एंटर करेगा। तो आपको ये बताना है कि इनकी जो रेजिस्टेंस है उनका क्या रिलेशनशिप है, किसकी रेजिस्टेंस बड़ी है, किसकी छोटी है, तो सारी गेम किसके ऊपर है। मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, सारी गेम किस पे है, एरिया पे। तो आप शेडेड एरिया निकाल दो ना, जिसका एरिया बड़ा होगा उसकी रेजिस्टेंस भी बड़ी होगी, कर लो कैलकुलेट एरिया। कुछ और भी लिखा हुआ है इसमें बहुत कुछ, वो ये कह रहा है कि ये ऐसी वायर्स हैं कि ये वाली वायर इसके अंदर बिल्कुल फिट होती है स्मूथली, और ये पूरी वायर इसके अंदर फिट होती है स्मूथली। तो इसका मतलब जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ऐसी करेंगे। आउटर लेंथ तो पता ही है आपको, इसका एरिया आ गया स्क्वायर का, इनर में क्योंकि ये लेंथ इसमें फिट इन होती है तो अंदर की लेंथ क्या होगी, रूट टू ए, तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। सेकेंड केस में आउटर एरिया माइनस इनर एरिया में ये इसके अंदर फिट इन होती है तो ये लेंथ के अंदर वाली ए, तो ए स्क्वायर। फिर इसमें तो बिल्कुल पता ही है एरिया क्या है, ए स्क्वायर। कमाल की बात है, माइनस करने पे एरिया तीनों के क्या आ गए, सेम। रो सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम है, आंसर सेम है, ठीक। तो आइडिया क्लियर है यहाँ तक सबको? ऑनलाइन वालों को क्लियर है?
यस सर। ठीक है, एक बार जरा सेवंथ क्वेश्चन को देखें प्लीज। तो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन भी है। मैं आपको इसका मेथड समझाता हूँ, कैलकुलेशन आप करते रहना। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है, इन ऑर्डर टू क्वाड्रपल द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, मुझे चार गुना 4 टाइम्स करनी है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। ठीक, कैसे? पार्ट ऑफ इट्स लेंथ वॉज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड, तो मैंने पूरी वायर को खींचा नहीं, मैंने पूरी वायर का कुछ हिस्सा खींच दिया, सारी वायर को नहीं खींचा, कुछ हिस्से को खींच दिया, ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी हो जाए 4 टाइम्स। ठीक है, पूरी वायर खींचता हूं तो एन स्क्वायर हो जाती है रेजिस्टेंस, किया था शॉर्टकट, पूरी वायर तो खींची नहीं, पार्ट ऑफ वायर को खींचा। क्या कह रहे हैं? अब खींचा ऐसे कि अगर टोटल लेंथ पूरी वायर की एल थी, अब नई लेंथ कितनी है 1.5 टाइम दी ओरिजिनल लेंथ है, तो अगर टोटल लेंथ एल है, अब 1.5 एल है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि कितना पार्ट हमने खींचा, उसका फ्रैक्शन क्या था टोटल लेंथ के साथ। मान लो एक्स खींचा, टोटल लेंथ एल थी, तो एक्स अपॉन एल कितना है, तो एल में से एक्स को खींचा, तो एक्स अपॉन एल की रेशियो निकालनी है, राइट? एक चीज़ कभी चेंज नहीं होती खींचने से, वो क्या? वॉल्यूम। सारी गेम किसकी? वॉल्यूम की। ये डायग्राम तो चलो जो बनाया बनाया, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने अपना क्वेश्चन अपने तरीके से किया। ये देखो ऐसा किया मैंने, ये देखो मैंने ये माना कि मान लो ये आपकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, मैंने कितने पोर्शन को खींच दिया? X को। कितने को नहीं खींचा? L माइनस X को। तो जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो L माइनस X को तो वैसे का वैसा दिखा रहा हूं मैं, और तुमने खींचा ही नहीं, और जबकि ये छोटा सा पोर्शन मैंने खींच दिया, तो एरिया इसका A तो इसका भी A, लेकिन ये वायर जब खींचोगे तो एरिया पतला हो कम हो जाए, पतला हो जाएगा। कितना हो गया यहां से ए डैश हो गया, इधर से ए, इधर से ए डैश। और ये नई लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ अगर एल है तो नई लेंथ कितनी है? 1.5 एल, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये 1.5 एल है, उसमें से ये एल माइनस एक्स है, तो बची हुई कितनी है? 1.5 एल में से इस लेंथ को क्या कर दिया? माइनस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यानी कि जो एक्स पोर्शन था उसको हमने स्ट्रेच करके कितना बना दिया? 0.5 एल प्लस एक्स। यहां तक ये रूल क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये एल है, ये एल माइनस एक्स, और ये एक्स है, इसको तो मैंने नहीं खींचा, इसको स्ट्रेच कर दिया, लंबा कर दिया, एरिया ए डैश हो गया, यहाँ का ए है, तो ये लेंथ कितनी है? 1.5 एल में से इसको माइनस कर दें, आंसर। अब एक चीज चेंज नहीं होगी, वो क्या है? वॉल्यूम। तो बोलो इस वायर का वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एल, ए इंटू एल, लेकिन नई वायर का वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एल माइनस एक्स प्लस ए डैश इंटू दिस लेंथ। ए डैश को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो ए इंटू एल पुराना वॉल्यूम, नए वॉल्यूम में क्या किया? ए को एल माइनस एक्स और ए डैश को बची हुई लेंथ। क्या ये रूल क्लियर है? इसे ओपन करके मैंने क्या निकाल दिया? ए डैश निकाल दिया, नया एरिया आ गया। तो रूल क्लियर है? खींचने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद नया एरिया ए डैश आ गया। अब हमने क्या निकाल लिया? रेजिस्टेंस। जो नई वायर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 4 आर।
रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, रो इंटू एल माइनस एक्स बाय ए, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस क्या होगी, रो इंटू एल माइनस एक्स बाय ए, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस क्या होगी, रो इंटू लेंथ दिस अपॉन ए, नहीं ए डैश। तो आप चेक करो इधर दोनों पोर्शन की रेजिस्टेंस को निकाला, और क्योंकि सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस का सम क्या आना चाहिए, 4R। अब यहां से ए डैश की वैल्यू को निकाल के यहां पुट करना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रेशियो आ जाएगी 1:8। सीरीज नहीं है आपको, नहीं लग रहा ये सीरीज है? अगर मैं यहां से करंट एंटर करवाऊंगा आपको लगता नहीं कहीं वहीं से एंटर करेगा बाहर निकलेगा? वायर मोटी से पतली होगी क्या, है तो एक ही है, तो एक ही वायर ना खींचा हुआ है, सीरीज ही होगा ना, ठीक। तो क्या ये पॉइंट, सीरीज मत वर्ड यूज करो, वैसे ही बोल दो टोटल रेजिस्टेंस 4R है, लेफ्ट और राइट के रेजिस्टेंस का सम। लंबा क्वेश्चन है मैं मानता हूँ, वैसे आया नहीं आज तक, किसी बुक में से लिया मैंने भी, बट आपको ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे उसने पार्ट ऑफ वायर को खींच के अपना क्वेश्चन सॉल्व किया? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? Yes, sir. मुश्किल है, मेडिकल में तो नहीं आता, कम से कम इतना लंबा क्वेश्चन करेगा तो क्या पेपर वो क्लियर करेगा, कैसे होगा इतना लंबा क्वेश्चन? बट इन एनी केस चलो, जो भी आया ना आया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे किया? हाँ वैसे आसान है, वैसे तो कोई है तो वॉल्यूम खींचने वाले स्ट्रेच करने वाली प्रॉब्लम है भाई, वॉल्यूम का गेम सारा, एरिया निकालना होता है, करना क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करना प्लीज,
देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ आयरन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 ओम एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा गिवन है। एट 20 डिग्री सेल्सियस वो इतना करंट कैरी करती है, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये उसकी करंट की वैल्यू है। पोटेंशियल को सेम रखना है, वी सेम रखना है, टेम्परेचर ऑफ द वायर को 120 कर दिया। मुझे एक बात बताओ, वायर वही है, वी सेम है, वी क्या होता है, आई इंटू आर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या चीज़ चेंज होगी, रेजिस्टेंस। अब वी इज इक्वल टू आई आर, वी तो चेंज नहीं हो रहा, वो कह रहा है पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, तो फिर क्या चीज़ चेंज हुआ होगा, करंट, क्योंकि वी जो है वो किसके इक्वल है, आई टाइम्स आर। तो वी इज इक्वल टू आई आर, अगर आर चेंज हो रहा है, वी चेंज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली क्या चीज़ चेंज हुई होगी, करंट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पहले वो कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना करंट पास हो रहा है, 30 मिली एम्पियर। 120 डिग्री सेल्सियस पे कितना करंट पास होगा, ये क्वेश्चन है। तो मुझे एक बात बताओ, आई वन आर वन आई टू आर टू तो लगेगा इसमें, आई वन क्वेश्चन में गिवन है, आर वन आर टू मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से आई टू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? करंट आई टू निकालना है, आई टू का मतलब एट टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको अभी आई टू निकालना है, आई वन पता है, आर वन आर टू में निकाल देता हूँ। आर वन आर टू कैसे? अब आर वन की वैल्यू क्या लगेगी एट 20 डिग्री सेल्सियस, मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस आर जीरो थी, 1 प्लस अल्फा इंटू 20, टी वन 20 है, और दूसरे केस में 120, तो वन रेजिस्टेंस आर टू इज आर जीरो, 1 प्लस अल्फा इंटू 120, टी टू की जगह 120 पुट करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं। ट्वेंटी उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस की ही रेजिस्टेंस है। मतलब आप ये कह रहे हो ये आर जीरो ले लें, बिल्कुल और पीछे चले जाएं, तो फिर आर 20 नहीं गिवन मुझे, फिर आर 20 भी नहीं पता, आर 120 भी नहीं पता, फिर तो दो वेरिएबल्स और इकट्ठे हो गए। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये पूरा केस एट 20 डिग्री सेल्सियस ही है, इनिशियल का मतलब एट 20 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया, 120, ऐसे केस है ये। तो ये करके पता लगता है, प्रैक्टिस और क्या। अच्छा चलो ठीक है, आप आर जीरो ले लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो जाए बता देना, हो गया, आ गया आंसर, सेम नहीं आएगा आंसर। 20 पॉइंट मुझे पता नहीं, देखो मैं ये समझता हूँ इतना कॉम्प्लेक्स वो क्वेश्चन देता नहीं है आपको, सिंपली यार वो दो केस दे रहा है, एक केस वो दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक दे रहा है 120 डिग्री सेल्सियस पे, तीसरी बात नहीं कर रहा वो। आप अपने माइंड से बना रहे हैं कि मैं जीरो डिग्री सेल्सियस का केस भी लूंगा, आर जीरो तो एक वर्चुअल वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है, चाहिए थोड़ी ना होती आर जीरो, आर जीरो तो कट हो जाती है हमेशा। तो पहला केस 20 पे करंट दे रहा है, 120 पे करंट पूछ रहा है, तो आर जीरो बीच में इंटरमीडिएट मान लो। तो ये रेजिस्टेंस 10 है, ये रेजिस्टेंस निकालनी है 120 पे, 20 अल्फा गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर टू आ गया। तो यानी कि दो ही टेम्परेचर है, एक 20 है एक 120 है, तो आपको आर वन पता है आर टू पता लग गया, तो आपको आर टू पता है आर वन पता है, करंट आई वन पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आई टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये प्रैक्टिस से पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, तीन तीन केस नहीं होते इसमें, ज़्यादातर दो केस निकलते हैं। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर, ये भी ठीक है, ओके, टेंथ। टेंथ आसान है वैसे, इसका आंसर शायद गलत लिखा हुआ है मैंने। वो कह रहा है कि एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या चीज सेम रहेगी इस वायर में, करंट। करंट सेम रहेगा, एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो करंट डेंसिटी के बारे में क्या बोलते हो, एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट डेंसिटी यहाँ जाते जाते क्या होगी, डिक्रीज। तो बी की कम होगी और ए की, मैंने शायद उल्टा आंसर मार्क कर दिया, बी की ज़्यादा कर दी और ए की कम, उल्टा ये था, उल्टी पहले मैंने ठीक भी किया था, शायद गलत हो गया। तो बी की जो करंट डेंसिटी है वो कम होगी, ए की करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, करेक्शन कर लेना। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर ये लो, ये लो।
देखो अगर आप इस चक्कर में पढ़ोगे तो आप गलत चक्कर में पड़ गए हो, ये मत यूज़ करना। ओम लॉ यूज़ करना, ई वाला जो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई, एक लाइन में आ जाएगा। तो चेक करो इसमें क्या गिवन है, 150 मीटर लॉन्ग, तो क्या गिवन है एल। तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट। वो कह रहा है बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से 50 ज़्यादा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट है। एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से 50 ज़्यादा है, तो अगर एक वी है, एक वी प्लस 50 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 50। तो एक वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 50। आपको इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, आपको गिवन है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा। और क्या निकालना है आपको, निकालना है करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या किया था, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा इंटू ई क्या होता है, वी बाय एल। सिग्मा पता है, वी पता है, एल पता है, आंसर खत्म। ये देखने की जरूरत नहीं है, लंबा कर दिया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है। तो एल पता है, वी पता है, और सिग्मा पता है, आंसर ठीक। कौन सी शीट थी ये, 26। ट्वेंटी एट इसका आंसर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है आपको, किसमें, ए में एंड बी में, ए और बी में। देखो हो गया, सबसे पहले ये बताओ ये दोनों रेजिस्टेंसेस किसमें हैं, इन सीरीज 2R, और जो आंसर आएगा वो R के साथ इन पैरेलल। ऐसी सीरीज इसके साथ पैरेलल, सीरीज इसके साथ पैरेलल, सीरीज इसके साथ पैरेलल। तो आपने ये किया, R और R सीरीज में 2R, 2R और R पैरेलल में, तो आंसर आएगा 2R/3। इधर से 2R/3, 2R/3, 2R/3 और 2R/3, तो ये क्या बन गया, एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। तो क्योंकि रेशियो बराबर है ऊपर की और नीचे की, तो बीच की रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, इन सीरीज। ये किसमें हो जाएंगे, इन सीरीज, और आपस में क्या हो जाएंगे, इन पैरेलल। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, राइट ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है। यस सर। ठीक, ये लो, कितने लोगों को समझ में आता है ये पैरेलल है। और नहीं लग रहा है कि सच में है, आ रहा दिख रहा है, एक तो होता लग रहा है, ऐसे लगता बहुत है सीरीज पैरेलल, एक होता है नहीं पक्का पैरेलल है। देखो लगने में क्या लगता है, लग ही रहा है यार पैरेलल है। होने में ये होता है कि अगर जंक्शन को क्या ले लें, वी नॉट, और इसको लें वी, तो इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये भी वी, क्लियर हो गया। तो अब ये क्या है, वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, तो किसमें, इन पैरेलल। जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा ये दोनों इन पैरेलल। तो आप चेक करें इसमें, यहाँ पे सबसे पहले 2 और 6 इन पैरेलल, तो आंसर आएगा 1.5। 1.5 और 1.5 इन सीरीज, तो आंसर आएगा 3। फिर 3 और 3 इन पैरेलल, आंसर आएगा 1.5। तो यहाँ पर गलती है, करेक्शन है। तो 1.3 और 3 इन पैरेलल, तो आंसर आएगा 1.5। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, टोटल ईएमएफ बाय 1.5
तो कुछ गलत होगा इसमें, बट जो भी आंसर ठीक है तो फोर कर देना जो भी है, ये करवा दो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी आ गई। ओके नेक्स्ट, इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम हमने कैपेसिटर में भी की थी। क्या सिखाया था? पैटर्न रिपीट हो रहा है, वन 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 वन। कोई कहता है देखो ओपन वायर है, इसमें करंट नहीं जाएगा, छोड़ दो भाई, ये इन्फिनिटी तक है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, एंड में बंद भी होगा। तो क्या क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है? वन 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 वन। तो एक मान लो पूरा आंसर क्या है? आर। तो आप इन तीनों को रख के बाकी आंसर को भी क्या लिख सकते हैं? आर। तो बनाए डायग्राम आर और वन पैरेलल में होगा, करें सॉल्व, आर की वैल्यू निकालें। देखो इसमें क्या सिखाया था? वन 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 का पैटर्न को छोड़ दो। तो मैंने क्या सिखाया था कि ये इसको छोड़ दो, वन 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 छोड़ दो, मान लो बाकी का आंसर आर, और ये दोनों किसमें? इन पैरेलल। और जो आंसर आएगा वन और वन टू के साथ इन सीरीज, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो भी कितना? आर। तो आप इसे एलसीएम लें, सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक, आर की वैल्यू आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे किया था हमने। तो मान लो आंसर आर है, इन जो रिपीटिंग पैटर्न है एक पैटर्न छोड़ देते हैं, बाकी वो क्या पुट कर लेते हैं? आर। फिर ये दोनों किसमें? इन पैरेलल। जो आंसर आएगा वन और वन टू के साथ इन सीरीज, और फाइनल आंसर भी क्या आएगा? आर। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसका आंसर है आर। तो लिखा ही नहीं हुआ था किसमें? द्वारा बोलो सर। इसमें नेट आर तो लिखा ही नहीं हुआ था।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब नेट आर आर ही माना ना मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आर माना मैंने, तो मैंने मान लिया ए और बी को सॉल्व करके आर आता है, इस पूरे को सॉल्व करके आर आता है और पोर्शन को सॉल्व करके भी आर आता है, ठीक है ना? तो नेट आर भी आर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस इज एस, सीरीज में आंसर है एस, पैरेलल में आंसर है पी, और क्वेश्चन में गिवन है कि सीरीज का आंसर इज एन टाइम्स पैरेलल का आंसर। तो ठीक है, सीरीज में आंसर इज आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में आंसर आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू और एन टाइम्स है। क्लियर है यहाँ तक? आपको बताना है कि मिनिमम एन की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक? तो क्या हो सकती है तो चेक कर लो, दो मिनट लेके अगर कर सकते हो तो। स्टेप तो क्लियर है, मैथ्स का गेम है, स्क्वेयरिंग कर लें, आर वन प्लस आर टू इधर आके स्क्वेयर हो गया तो ये टर्म आ गई, इसको लिख लिया आर वन प्लस आर टू स्क्वेयर को आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वेयर प्लस फोर आर वन आर टू, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि ओपन करेंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी तो प्लस टू ए बी, एक ही बात है, ठीक, एक ही बात है। अब एन निकालना है तो इस टर्म को इनके नीचे ले आया तो ये टर्म बन गई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आर वन आर टू के इक्वल होगा, कट गया ज़ीरो, तो कम से कम वैल्यू क्या आएगी, चार, चार तो फिर भी वैल्यू आनी आनी है, आंसर चार। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, इसमें ए एम इज ग्रेटर देन जी एम कर सकते हैं? इसमें ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, ए एम एस मतलब ए एम आर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो उससे क्या होगा, उससे यही कि AM is always greater than GM, तो N की value 4 आ रही है, inequality डाल के। तो आपने arithmetic mean और geometric mean under root of R1 R2 लिया? हाँ, under root of R1 R2 का whole square हो गया, R1 R2 आ गया, और दूसरी साइड R1 plus R2 का whole square upon 4। मैं यार कह रही arithmetic mean का आपको idea कैसे आया लेकिन कि arithmetic mean लगेगा? सर वैसे ही देख के दिमाग में क्लिक करा, पर मैं ये कैसे इसको रिलेट करूंगा कि R1 पर एंड R2 का अर्थमेटिक मीन होगा, और मतलब इन वैल्यूज को देख के आ रहा है आपको कि जैसे R1 पर R2 है? हाँ जी, फिर आप मैथ्स लगा सकते हैं, लगा लें, मतलब मैं ये आइडिया क्लिक नहीं कर पाया, ठीक, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ पर मैं ये क्लिक नहीं कर पाया इसे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर सेवन्थ क्वेश्चन में ये थ्री है, ध्यान से, ये थ्री है, 20, 30, 60 पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, इन तीनों को पैरेलल में लगा के 10 आएगा, इन दोनों को पैरेलल में लगा के 6 आएगा। क्वेश्चन है आपको गिवन है कि 8 ओम्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 48 वोल्ट है, इसके क्रॉस 48 वोल्ट गिवन है, आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है? एक काम करते हैं, इन तीनों की जगह 10 लगा लूं, इन दोनों की जगह 6 लगा लूं, तो मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा, ये 3 का 3, इन तीनों की जगह 10, इन दोनों की जगह 6 और ये 1, क्या ये डायग्राम क्लियर है? इसके क्रॉस 48, तो इसके क्रॉस भी 48,
क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसकी बनी हुई है, इन दोनों की पैरल, पैरल में वी सेम रहता है, तो अगर ये 48 वोल्ट पे तो ये भी 48 वोल्ट पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये 48 वोल्ट पे है, अगर इसकी रेजिस्टेंस 6 है, तो इसमें करंट क्या होगा, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया, 8। अब ये इसमें करंट अगर 8 है तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, क्योंकि सब सीरीज में तो है, तो करंट की वैल्यू सीरीज में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 3 + 10 + 6 + 1, और टोटल रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। पॉइंट समझ में आया? ये 48 वोल्ट सिर्फ इसलिए गिवन था ताकि आप यहां पर क्या निकाल सकें, करंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के पहले करंट आएगा, फिर वो करंट सब में सेम रहेगा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 10 और 15 साफ पता लग रहा है किसमें गिवन है, आपको पैर, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। वैसे इसमें 10 और 15 पैरेलल में, 10 और 15 पैरेलल में आंसर क्या देगा, 6। ये 6 का 6, ये 8 और 8 किसमें है, इन पैरेलल। वो क्यों? क्योंकि अगर यहां पोटेंशियल V1, अगर यहां V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, यहां पर भी V1 माइनस V2, तो ये दोनों पैरेलल में, 8 और 8 पैरेलल में, तो क्या आएगा, 4। तो क्या ये इक्विवेलेंट डायग्राम क्लियर है इसका? फिर ये दोनों किसमें, इन सीरीज, तो 6 और 4 सीरीज में क्या आएगा, 10। तो इधर 6 और 4 सीरीज में क्या आएगा, 10। क्लियर है यहां तक? अब फाइनली एक बैटरी के साथ दोनों कनेक्टेड है, मान लो बैटरी का ये टर्मिनल V1, ये V2, अगर ये V1 तो ये भी V1, अगर ये V2 तो ये भी V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो ये दोनों के दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट, ये जो हवा में उड़ती हुई वायर्स हैं, इनका तो करोगे क्या, इसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी में। तो पहले तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब ध्यान से देखो, ये तीनों रेजिस्टेंसेस, ये वाली और ये वाली, किसमें, इन पैरेलल, ये भी इन पैरेलल, ये दोनों इन सीरीज इसके साथ, इन ये दोनों इन सीरीज इसके साथ, इन। तो ये देखो, R और R, आपने बोला कि R और R दोनों के दोनों किसमें, इन सीरीज, ये रहा सीरीज, R के साथ इन पैरेलल, ये तीनों R R R किसमें, इन पैरेलल, तो R बाई थ्री, इधर से ये R और R किसमें, सीरीज, इस R के साथ इन पैरेलल, ये मैं मिस कर गया, R बाई थ्री, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आएगी, कितनी, R बाई थ्री, ऐसे, तो इधर भी R बाई थ्री, इधर से इधर भी R बाई थ्री, कोई डाउट इसमें? अब ये क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, ये दोनों इन पैरेलल, इसके साथ इन सीरीज, ये दोनों इन इसके साथ इन, और फिर आपस कॉम्बिनेशन पैरेलल, तो हो जाएगा आप क्वेश्चन सॉल्व। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस यस सर। ठीक है, yes, जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक वायर की टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम है, और वो वायर ये रही, 1, 2, 3 और 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ये 60 डिग्री है, तो 5 5 सेम, टोटल ये 10 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, तो सभी पोर्शन की लेंथ सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम है, तो ऐसे कितने पोर्शंस हैं, 1, 2, 3 और 4, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 24, 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6, तो हर की रेजिस्टेंस कितनी है, 6, ये 6 और 6 इन सीरीज, 12, 12 और 6 इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इस 6 के साथ इन, हो जाएगा सॉल्व उसके बाद। ठीक है यहां तक? और आखिरी दो क्वेश्चन, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किया था, बहुत आसान है, इसमें वो कह रहा है कि ये जो वायर्स है ना, इनमें करंट बताओ, ये बड़ा आसान है, 2 और 2 मिलके इस वायर में करंट क्या देंगे, 4, 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर गया तो कितना बचा, 3, 3 में से 1.5 इधर आया तो इधर कितना आया, 3 - 1.3, डन। तो किरचॉफ का जंक्शन लॉ समझ में आ रहा है, कैसे लग रहा है, जंक्शन पे करंट्स कैसे डिवाइड करने है, क्लियर है? ठीक, जैसे ये लो, इस क्वेश्चन के अंदर करना वही है सेम, ये ट्रिकी है थोड़ा सा, देखो
यहां पे 2 एम्पियर करंट आता है, यहां से 3 एम्पियर करंट आता है, 2 और 3 मिलके यहां पर कितना लेके जाते हैं 5, 5 एम्पियर करंट डिवाइड होगा आगे जाके, डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे। अब 5 एम्पियर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखते हैं। 5 एम्पियर में से यहां पर ये कितना करंट है 1 एम्पियर, इधर कितना आ रहा है 2 एम्पियर, और इधर कितना आ रहा है 2, और इधर से कितना आ रहा है 4, राइट। अब एक चीज देखो, यहां क्योंकि 1 एम्पियर चाहिए, जितना भी यहां करंट आएगा उसमें से 2 इधर चला गया और 1 इधर चला गया, तो इसका मतलब यहां कितना आ रहा था 3, 3 में से 2 इधर 1 इधर, और अगर 3 ऊपर जा रहा है, टोटल 5 है, तो नीचे कितना जा रहा होगा 2, क्योंकि टोटल 5 होना चाहिए। 2 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, 4 एम्पियर इधर आ रहा है, 4 प्लस 2 मिलके 6 इधर जाएगा, 6 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, मिलके 8 इधर जाएगा। दिस इज द आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैसे ये इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट जंक्शन के ऊपर हमने लगाने हैं। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। रिपीट। ये देखो, ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, कुल मिला के 5 आ रहा है। अब इधर कितना जा रहा है 1, इधर कितना है 2, तो कुल मिला के इधर कितना आएगा 3। तो अगर ये 5 आ रहा है, 3 ऊपर है तो 2 नीचे, इधर से आ रहा है 4, इधर से आ रहा है 2, मिलके क्या आ रहा है 6, इधर से आ रहा है 2, इधर से 6, तो मिलके कितना गया 8। क्लियर है? हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक,